गाइज, क्या आपने कभी अपनी आंखों को माइक्रोस्कोप की मदद से जूम करके देखा है कि भाई हमारी आंखों के अंदर होता क्या है? और जब आप अपनी आंखों को माइक्रोस्कोप की मदद से देखेंगे तो आपको अपनी आंखें बहुत ही अलग तरीके से दिखाई देंगी। और गाइज, क्या आपने कभी रेजर ब्लेड को माइक्रोस्कोप की मदद से जूम करके देखा है कि एक शार्प एजेस वाला ब्लेड शेविंग करने के बाद किस तरह का दिखाई देता है? और गाइज, आप में से ज्यादातर लोगों ने कभी न कभी अपने शरीर में इंजेक्शन तो जरूर लगवाया ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी बॉडी में लगने वाले इंजेक्शन को माइक्रोस्कोप की मदद से जूम होते हुए देखा है? अगर नहीं देखा है तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए दुनिया की 10 ऐसी चीजों के बारे में बताऊंगा जिन चीजों को आप माइक्रोस्कोप से देखने के बाद हैरान हो जाओगे। तो गाइज, वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि आज की इस वीडियो में आप सभी को बहुत ज्यादा मजे आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की इस वीडियो को, 10 थिंग्स यू कैन सी अंडर माइक्रोस्कोप, जिसमें नंबर 10 पर है ह्यूमन आईज। गाइज, हमारे शरीर में दी गई आंखों को भगवान के द्वारा दिए गए नायाब अंगों में से एक माना जाता है। आंखों की हमारी जिंदगी में क्या अहमियत होती है ये तो हम सभी लोगों को पता ही है, लेकिन तब क्या होगा जब आंखों को माइक्रोस्कोप की मदद से देखा जाएगा? गाइस, माइक्रोस्कोप से देखने के बाद आंखें कुछ अलग ही तरह की दिखाई देती हैं। आंखों को माइक्रोस्कोप से देखने के बाद ऐसा लगता है जैसे कि आप कहीं स्पेस में देख रहे हैं, और इस स्पेस में बहुत सारे नेबुलास हैं जिसके बीच में बहुत ही बड़े बड़े गड्ढे हैं और उसके बीच में एक बहुत ही बड़ा ब्लैक होल भी है। लेकिन ये रियल में कोई ब्लैक होल नहीं है, इसे आंख का आयरिस कहा जाता है जिसकी मदद से ही हम दुनिया को देख पाते हैं। हर इंसान की आंख दिखने में अलग अलग होती है क्योंकि हर एक इंसान की आंख का कलर और साइज अलग रहता है। और जैसा कि आप अभी आंख को माइक्रोस्कोप की मदद से देखने के बाद देख सकते हैं कि आंख की मांसपेशियां और मसल्स बिल्कुल ही अलग दिख रहे हैं। नंबर 9 पर है रेजर ब्लेड। गाइज, आप में से ज्यादातर लोग रेजर ब्लेड के बारे में तो जरूर जानते ही होंगे, जिससे सभी लोग अपनी शेविंग करते हैं और उससे निकले हुए ब्लेड से लोग अपने नेल्स भी काटते हैं। तो ब्लेड के बारे में तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। एक नॉर्मली ब्लेड के ऊपर कितनी ज्यादा शार्प एजेस होती है, इसे देखने पर तो ऐसा लगता है जैसे अगर आप किसी ब्लेड को किसी के हाथ के ऊपर रख देंगे तो उसका हाथ ब्लेड उसके हाथ के ऊपर रखते ही कट जाएगा। लेकिन क्या आपने कभी इसी ब्लेड को माइक्रोस्कोप की मदद से देखा है कि इतने ज्यादा शार्प एजेस वाले ब्लेड को भी अगर आप थोड़ा सा भी यूज कर लेंगे तो उस ब्लेड के ऊपर छोटे से क्रैक्स आ जाते हैं। ऐसे ही जब अगर आप एक न्यू ब्लेड से शेविंग करते हैं या आप अपने हेयर कट करते हैं तो नॉर्मली ब्लेड कुछ इस तरह से दिखाई देता है, जिसमें ब्लेड के ऊपर छोटे छोटे स्पॉट आ जाते हैं। और हम सभी लोग सोचते हैं कि हमारे हेयर इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं होते कि वो ब्लेड को कोई नुकसान पहुंचा पाए, लेकिन एक्चुअल में ब्लेड को माइक्रोस्कोप की मदद से देखने के बाद हमें दिखाई देता है कि एक ब्लेड के ऊपर हमारे हेयर कट करने की वजह से बहुत सारे क्रैक्स आ जाते हैं और ब्लेड ऑलमोस्ट खराब ही हो चुका होता है। नंबर 8 पर है आंट फेस। गाइस, चींटियों का साइज बहुत ही ज्यादा छोटा होता है और चींटियां तो हम सभी लोगों ने देखी ही होती है, लेकिन क्या आपने कभी चींटियों के फेस को माइक्रोस्कोप की मदद से देखा है कि एक्चुअल में चींटियां माइक्रोस्कोप की मदद से देखने पर दिखती कैसी है? गाइस, एक बात तो सच है, अगर आप चींटियों को नॉर्मली अपनी आंखों से देखेंगे तो आपको लगेगा कि चींटियां हमारा क्या ही बिगाड़ लेंगी, लेकिन अगर आप चींटियों को माइक्रोस्कोप की मदद से देखेंगे तो चींटियों का फेस कुछ इस तरह से दिखाई देता है, जिसे देखने के बाद आप जरूर डर जाएंगे क्योंकि चींटियों का फेस रियल में इतना ज्यादा डरावना होता है। अब गाइस, चींटियों का फेस देखने के बाद तो आप थोड़ा बहुत तो डर ही चुके होंगे, अब इमेजिन करो कि अगर यही चींटियां हमारे बराबर होती तो क्या होता? आप लोगों को इसके बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। नंबर 7 पर है नीडल इन ह्यूमन बॉडी। गाइस, आपने किसी न किसी के तो इंजेक्शन लगते हुए जरूर देखा ही होगा, या फिर तो हो सकता है कि आपके भी कभी ना कभी इंजेक्शन लगे हो। लेकिन इंजेक्शन जब बॉडी के अंदर जाता है तो उसे जब आप माइक्रोस्कोप की मदद से देखेंगे तो वो कुछ इस तरह से दिखाई देता है, जिसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि किस तरह से हमारी स्किन को फाड़ कर ये निडल बॉडी के अंदर घुसती जा रही है, और इसी निडल को बॉडी के अंदर से निकालने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखाई देती है। नंबर 6 पर है लिजर्ड फीट। गाइस, छिपकली को आपने बहुत सारी चिकनी से चिकनी जगहों पर भी चिपकते हुए देखा होगा, और आपने देखा होगा कि छिपकली चिकनी जगह पर भी आराम से चिपक के बैठी रहती है। क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा है कि छिपकली ऐसा कैसे कर पाती है? इसका ऐसा करने का मेन रीजन होता है इस छिपकली के पैर। अगर आप छिपकली के पैरों को माइक्रोस्कोप की मदद से जूम करके देखेंगे तो इसके पैर आपको कुछ इस तरह से दिखाई देंगे, जिसके पैरों के ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे नुकीले रेसे लगे होते हैं जिसकी मदद से छिपकली किसी भी चिकनी से चिकनी चीज के ऊपर आसानी से चिपक जाती है। नंबर 5 पर है ह्यूमन टंग। गाइस, हमारे शरीर में जीभ एक ऐसी चीज होती है जिसके बिना ना तो हम कोई स्वाद ले पाएंगे और ना ही हम बोल पाएंगे, लेकिन क्या होगा जब जीभ को माइक्रोस्कोप की मदद से देखा जाएगा? गाइस, जब आप अपनी जीभ को माइक्रोस्कोप की मदद से देखेंगे तो आपकी जीभ कुछ इस तरह से दिखाई देगी, जिसके ऊपर बहुत सारे नुकीले कांटे से लगे होते हैं, और ये नुकीली चीजें हमें अपनी जीभ पर नॉर्मली आंखों से नहीं दिखाई देंगी, लेकिन अगर आप जीभ को माइक्रोस्कोप की मदद से देखते हैं तो ये सारी चीजें हमें क्लियरली दिखाई दी जाती है। गाइस, ह्यूमन टंग पे तो ये कांटे कुछ छोटे छोटे दिखाई देते हैं, लेकिन अगर आप शेर या चीता की जीभ को माइक्रोस्कोप की मदद से देखेंगे तो
उनकी जीभ पर ऐसे ही बड़े बड़े नुकीले कांटे होते हैं। नंबर 4 पर है स्ट्रॉबेरी। गाइज, स्ट्रॉबेरी एक ऐसा फ्रूट है जो कि ज्यादातर लोगों का फेवरेट ही होता है, और इसी के साथ ही साथ स्ट्रॉबेरी ही एक ऐसा फ्रूट है जिसके बीज फल के अंदर ना आकर फल के बाहर आते हैं। गाइज, अब तक तो स्ट्रॉबेरी फ्रूट आपका सबसे फेवरेट रहा होगा, लेकिन अगर आप स्ट्रॉबेरी को माइक्रोस्कोप की मदद से जूम करके देखेंगे तो शायद स्ट्रॉबेरी आपका फेवरेट फ्रूट नहीं रहेगा, क्योंकि जब आप इसको माइक्रोस्कोप की मदद से जूम करके देखते हैं तो इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े भी देखने को मिल जाते हैं, और स्ट्रॉबेरी के बाहर जो इसका बीज होता है वो भी जूम करने पर एक कीड़े की तरह ही दिखाई देता है। इसीलिए गाइज, अगर आप जब भी किसी फल फ्रूट को खाते हैं तो उसे धोकर ही खाना चाहिए, जिससे कि फ्रूट के ऊपर लगे हुए कीड़े साफ हो सके। नंबर 3 पर है कैटरपिलर। गाइज, कैटरपिलर एक ऐसा कीट होता है जिसके अंदर ग्लैंड मौजूद होता है जिसकी मदद से ये सिल्क बनाता है। इसके अलावा कैटरपिलर के ऊपर 12 छोटी छोटी आंखें पाई जाती हैं। वैसे इस कीट को देखने पर लगता भी नहीं है कि इसकी 12 आंखें भी होंगी। अगर कैटरपिलर को माइक्रोस्कोप की मदद से जूम करके देखा जाए तो एक कैटरपिलर के ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे बाल नजर आते हैं, जो कि इतने सारे होते हैं जिसे आप शायद कभी गिन भी ना पाओ, और इसके बाल बिल्कुल कांटों की तरह दिखाई देते हैं, और इसी के साथ ही साथ इसका फेस तो माइक्रोस्कोप की मदद से देखने के बाद बहुत ही ज्यादा डरावना लगता है। नंबर 2 पर है साल्ट। गाइज, नमक तो हम सभी लोग सब्जी या किसी भी चीज में डाल के खाते ही हैं, लेकिन क्या आपने कभी नमक के एक कण को माइक्रोस्कोप की मदद से जूम होते हुए देखा है? अगर आप माइक्रोस्कोप की मदद से साल्ट को देखते हैं तो वो कुछ इस तरह से दिखाई देता है, जिसमें ये साल्ट बिल्कुल ही स्क्वायर शेप में दिखाई देता है। और अगर हम साल्ट को माइक्रोस्कोप की मदद से ना देखें, उसे हम अपनी नॉर्मली आंखों से देखें, तो साल्ट का एक दाना हमें ऐसे दिखाई देता है जैसे कि ये बिल्कुल गोल हो। तो गाइज, फाइनली अब बात करते हैं नंबर 1 के बारे में, जिसमें नंबर 1 पर है नीडल एंड थ्रेड। गाइज, आपने सुई के अंदर धागा तो कभी ना कभी जरूर डाला ही होगा, लेकिन जब इसे आप माइक्रोस्कोप की मदद से जूम करके देखते हैं तो ये धागा नीडल में पड़ने के बाद कुछ इस तरह से दिखाई देता है। और गाइज, इसके अलावा अगर आप कभी माइक्रोस्कोप की मदद से एक लकड़ी की पेंसिल को जूम करके देखते हैं तो इस लकड़ी की पेंसिल को जूम करने के बाद ग्रेफाइट कुछ इस तरह से दिखाई देती है, जिसमें ग्रेफाइट के अंदर के छोटे छोटे क्रैक्स भी बहुत ही आसानी से दिखाई दे जाते हैं। और गाइज, एक चाय के कप को जूम करके देखने पर चाय कुछ इस तरह से दिखाई देने लगती है, जिसके अंदर बहुत सारे बबल्स होते हैं और उन बबल्स के अंदर भी बहुत सारे छोटे छोटे बबल्स होते हैं। और गाइज, इसके अलावा जो डॉक्टर्स इंजेक्शन लगाते हैं, उस इंजेक्शन को अगर आप जूम करके देखते हैं तो इस इंजेक्शन की नोक बहुत ही ज्यादा नुकीली होती है, जो कि अभी जूम करके देखने पर बहुत ही ज्यादा मोटी दिखाई दे रही है। और गाइज, इसी नीडल को जब किसी स्ट्रॉन्ग जगह पर लगाया जाता है, स्ट्रॉन्ग जगह मीन्स अगर इसी इंजेक्शन को आपकी बॉडी के अंदर लगाया जा रहा है और वो तेजी से किसी हड्डी से टच हो जाता है, तो बॉडी में डालते समय तो ये नीडल बिल्कुल ही सीधी होती है, लेकिन हड्डी या किसी भी चीज से टकराने के बाद ये नीडल आगे से कुछ इस तरह से टेढ़ी हो जाती है। अगर बॉडी के अंदर से ऐसी घूमी हुई नीडल निकलेगी तो आप पेन का तो अंदाजा खुद लगा ही सकते हैं कि इसमें कितना ज्यादा पेन होगा। वैसे गाइस, आपको इन सभी टॉप 10 में से सबसे ज्यादा बेस्ट क्या लगा, और क्या आपने कभी अपनी आंखों को शीशे के सामने खड़े होकर ध्यान से देखा है? अगर देखा है तो ऐसे देखने के बाद आपको अपनी आंखों में क्या दिखाई दिया, ये मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइस, आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।